बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा आज ग्लोबल स्टार हैं। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की वो अदाकारा जिनका हॉलीवुड में भी दबदबा है। दोनों ही इंडस्ट्रीज में प्रियंका का जादू नजर आता है, लेकिन एक्ट्रेस के लिए सफलता का ये मुकाम पाना इतना आसान नहीं था। बॉलीवुड में अपने शुरुआती दिनों में प्रियंका चोपड़ा को कई परेशानियां झेलनी पड़ी। एक इंटरव्यू में प्रियंका ने बॉलीवुड में अपनी जर्नी को लेकर चौंकाने वाला खुलासा किया। प्रियंका ने कहा, मैं कुछ नहीं जानती थी और किसी को नहीं जानती थी, मुझे डायरेक्टर चिल्लाते थे, जी हाँ, और वो मुझ पर चिल्लाते रहते थे, मुझे फिल्मों से बाहर निकाल दिया जाता था। मिस वर्ल्ड का टाइटल जीतने के बाद प्रियंका चोपड़ा ने बॉलीवुड में एंट्री मारी थी। उन्होंने अंदाज में अक्षय कुमार के साथ डेब्यू किया था। अंदाज में लारा दत्ता भी अहम रोल में थी। वर्क फ्रंट की बात करें तो प्रियंका चोपड़ा बॉलीवुड में फिल्म द स्काई इज पिंक से कमबैक कर रही हैं। इसका निर्देशन सोनाली बोस ने किया है। मूवी में प्रियंका के साथ फरहान अख्तर, जायरा वसीम भी नजर आएंगे। हाल ही में द स्काई इज पिंक का टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में प्रीमियर हुआ। इस दौरान डायरेक्टर सोनाली बोस ने एक मजेदार किस्सा साझा करते हुए बताया कि निक जोनस पत्नी प्रियंका की एक्टिंग देखने के बाद रो पड़े थे। नेक्स्ट नाइन लाइव से ऋतिक की रिपोर्ट।